वो लोग जानबूझ के करवाया मेरे हिसाब से। अहाँ के उम्र की है? 16। जय मिथिला, हम रंजीत कुमार झा मिथिला संस्थक से अहाँ सब देखे देवे जे एखन हम सदर मधुबनी में छी। अहाँ सबके बता दी जे दिन पर किछु ने किछु हमर मधुबनी जिला में घटना बढ़ते जाइत अछि। एखन सदर हॉस्पिटल मधुबनी में छी और एतै घटना अहाँ सबके बहुत सारा घटना हम देखबै छी ए हॉस्पिटल से। रेप केस, मर्डर केस, गोलीकांड, लताम लाय मारि तऽ, आम लाय मारि तऽ, टाट लाय मारि, किछु ने किछु घटना अहाँ सबके देखबैत रहै छी। तऽ एतऽ मात्र एकटा 16 साल के लड़की के खुटौना बाजार में एकटा रेप करय के कोशिश कयलक चारिटा लड़का मिलकर, और उनकर माँ साथे सेहो मारपीट जाहिमे कपार फोड़ देने छन, और उनको माँ साथे जे 5 टा जेंट्स और 2 टा महिला दुनू मिलकर मार के कोशिश कलखिन। हर माँ से और बेटी से बात करब। चाची नेपुर देवी। कतः घर है? खुटौना बाजार, वासुदेव स्थान। की भेल अहाँ साथे घटना? हम लोग खाना खा कर रोज निकलते थे। हम खाना खा कर रोज निकले चलिए रात रात दिन हमेशा हम लोग का घर ही बनी है जी। जब हम निकले ना कनी दूर यानी घर के पास एक तो एक चौक है गांधी चौक, वहाँ पर गए तो वहाँ से एक बराती मतलब आवे चले जयनगर का। हम देखल रहे हमारा मोहल्ले में हमारा गाँव समाज में के सब रही टला गेल। हाँ माँ बेटी दोनों थे, और वहाँ पर जब बराती हम लोग देखने लगे नाच उच होता था वहाँ, लड़का सब डांस करता था। उस समय लग गया 15-20 मिनट करीब। तो वहाँ एक मंदिर है भगवती मंदिर, आप सोचे यहाँ तक आ ही गए हैं तो अपना प्रणाम भी कर लेते, क्या बुरा है भगवान को दर्शन करने में। अपना दर्शन करके आ रहे थे अपने घर की तरफ, थोड़ा ही दूर आया तो वहाँ पर हम और हमारी बेटी 2-3 कदम आगे पीछे थे। बस हम अपने बेटी को बोले कि बेटा सेना ना बते रह तो भग ले अखन तक मतलब दीदी खानो नहीं खेने थे, चल घर तरफ। तो घर के पैग बेटी से एक और बड़ बेटी है, लेकिन वो बोलबे नहीं की रहेगी तभी तो बोलेगी, लेकिन वो नहीं आवाज़ दी। तो हम पीछा मुड़ कर देखे मेरा बेटी वहाँ नहीं था। तब तो चारों तरफ जैसे हम नज़र फैलाया तो हम देखे कि रोड का इस साइड हम थे, और रोड का इस साइड मेरा बेटी को 4-5 लड़का मतलब घर की कोन की तरफ यानी दुकान है सोनार की वहाँ पर पटका हुआ था। अंधेरा चले नहीं, थोड़ा सा लाइट था थोड़ा, लेकिन अंधेरा नहीं था, पटका हुआ था। और 2 लड़का जो एक बीटू नाम का है वो लड़का थोड़ा आगे खड़ा था, और मेरा बेटी को पटका हुआ था। हम जैसे देखे हम अपना एक छलांग लगाया, और दूसरा छलांग लगाते वक्त हमें एक कठघारा के पीछे से 5-7 आदमी पीटना शुरू कर दिया, और हम अपने बेटी को बचा नहीं पाए। वो 7 आदमी में गाँव के लोग सब जी। की नाम सब छे? नाम सब उसका है सतवा जी, उसका 3 गो लड़का था, उसका बेटा था, अब पुतौ था दो, मतलब बाप बेटा पुतौ सब सब बाद में आ गया। कारण की छे कोनो ऐसा पहले दुश्मनी? हमको तो कोई दुश्मनी नहीं था। क्या मारत अपना आपके कनी सोचियो में क्या था इसे हमें पता नहीं, किसके नेचर में क्या इस तो हम नहीं जान सकते किसी का दिल का बात। फिर अहाँ के मार लगता, फिर बेटी के केना बच रही है? बेटी को हम बचा नहीं पाया। फिर बाराती का जो 2-4 लड़का रोड पर घूमता था वो लड़का दौड़े दौड़े आकर मेरी बेटी को बाल बाल बचाया, और उठकर खड़ा भी करवाया, और बोला से तुम इधर रहो बाबू। लेकिन फिर भी उस लड़का को लड़का लोग धकेल दिया जी, और बोला कि साला तू बीच में पड़ेगा तो मर्डर कर देंगे। वो लड़का लोग डर से निकल गया वहाँ से, और मेरा बेटी को फिर भी वो लड़का से अपने बचाव के लिए पीटने लगा ताकि मेरा केस नहीं बनेगा। और पीटते पीटते वो लोग घिसियाते हुए हमें मारकर फेंकने के लिए किसी जंगल के पास जाते, तो थोड़ा दूर जाते तो वहाँ मार्केट है, मार्केट है उसके बाद जंगल पड़ता है, लेकिन वहाँ पर एक थाना था मेरा थाना, थाना कुछ नहीं कर पाया, जिप्सी गया गश्ती का कुछ नहीं कर पाया। फिर थाना पर 2-4 स्टाफ जो रहता है वो मेरे गांव का एक चौकीदार था, लेकिन वो भी था वो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि जो बड़ प्रशासन का आदेश मिलेगा चौकीदार तो वही करेगा, इसलिए वो लोग डर से कुछ नहीं बोला। और वहाँ भर पे पीट रहा था फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद एक इसमें सर था कोनो जम आदमी जो बोला हमको कि बाबू तुम पहले अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ, इसका दिखाओ ब्लड जा रहा है सर से। तो मेरा बेटी बोला हम चल नहीं पाएंगे और नहीं हमसे होगा। तो मेरी बेटी अपनी बड़ी लड़की का फ़ोन किया बड़ी बहन को, तो कोई लड़का मतलब जो वहाँ देखा बराती में आया हुआ था गाड़ी का अथी में ड्राइवरी में, वो लड़का जाना पहचाना था,
वो लड़का लोग गया घर पर, कहा तू वो बच्चा भी देखा, वो बच्चा भी गया और कहा दीदी से तोरा मम्मी का तोरा बहन का मारते लो गए लोग से जाही थाना पर घायल छू पूरा खून बोई छू। बस वो लड़का अपने बाइक पर बैठा कर लाया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हमको टाका पाया। टाका देने के बाद ब्लड बंद नहीं होता था क्योंकि जहाँ 7 टका लगता वहाँ 3 टका दिया गया। वो लड़का को पहले भर्ती कर लिया, हमारा 1 घंटा बैठा धमकी हमको दिया मार कर फेंक देंगे इसलिए तुम कुछ मत बोलना। तो हम कहले क्यों मेरा इंसाफ नहीं होगा, बोला जो करना है जो कर लेना हम आगे देख लेंगे, ये हमको कहा गया। हम क्या कर सकते थे इसमें, हम लोग हॉस्पिटल में हम वहाँ की सुविधा नहीं था, हमें रेफर करके यहाँ भेज दिया सदर हॉस्पिटल। क्या तारीख से थी? 9 तारीख से। हाँ एक बात, केस तेस के लिए केस अभी तक नहीं हुआ। जब थाना यहाँ का भी महिला थाना में गए, महिला थाना बोला कि हम पति पत्नी का और दहेज प्रथा का केस लेते हैं, तुम लोग जाओ अपना थाना में। जब यहाँ थाना नगर थाना में हम लोग तो बेहोशी में थे, हमको तो होश था ही नहीं, आते आते और बेहोश हो गए। हमें इमरजेंसी में भर्ती कराया, होश में आएंगे तभी तो बयान दे पाएंगे। तो होश आने के बाद एक दिन बाद मेरा बेटी कॉल किया, बोला डॉक्टर को कि मेरा मम्मी होश में आया है, आप बयान ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बयान नहीं लिया और नहीं अभी तक हमको कोई पता है। जब थाना वाला को बोला मेरा बेटी, तो थाना वाला ठीक है हम आ रहे हैं, शायद उस वक्त आया भी था जिस वक्त हम इमरजेंसी में भर्ती हुए, लेकिन हम तो बयान देने लायक थे नहीं। तो थाना बोला कि जब होश में आएगा तो हमें बता देना। अच्छा आप की चाहिए? इंसाफ करने की कोशिश तो सिर्फ 4-5 लड़के किया और हमारे पास जो हमको जो पीट रहा था उसमें से 7 आदमी था। महिलों रहे? जी दो तीन महिलों भी थे। की नाम है यहाँ? रूपाली कुमारी। की भेल अहाँ साथे? हम लोग खाना खा के जा रहे थे घूमने के लिए, मम्मी निकली बाहर गेट से जो निकली तो हम माँ को हल्ला किए, बोले हमको भी जाना। उसके बाद वहीं पे वासुदेव स्थान है उधर से ही मतलब चौक होके बराती जा रहा था जयनगर का, मेरे ही गांव का शादी था लड़की का, तो मतलब धर्मशाला पे उनका बराती आ रहा था। तो हम लोग बराती देखे जाते हुए तो देखने लगे, हम लोग भी जाते जाते आगे बढ़ गए जहाँ पे भगवती मंदिर है मैया स्थान, वहीं पे बगल में मेरा जमीन भी है, तो वहीं पे गए। तो जब प्रणाम करके लौटने लगे तो इतना ही में ये सब घटना हो गया। अच्छा ऐसे पहले कोनो दुश्मनी भेल छला? लड़का सब छेड़े छला रास्ता में हन किछ कमेंट? नहीं कुछ नहीं। अहाँ की गाँव में रह चलिए बाहर? नहीं गाँव में रहते हैं। पढ़े तो रहे छी? पर नहीं मैट्रिक फाइनल हो गया, इंटर में एडमिशन करवाएंगे इस बार। अहाँ के की बुझा रहा है जो हमारा साथ एहन घटना भेल किया, एहन किछ दिमाग में चले? वो लोग जान बुझ के करवाया मेरे हिसाब से। जान बुझ के? ककरो साथ दुश्मनी नहीं चला अहाँ के? नहीं। अहाँ के परिवार के? नहीं किसी से भी नहीं। अब की चाहिए? न्याय इंसाफ। अहाँ के उम्र की है? 16। मात्र 16? जी। ना सुनलिए केहन दर्दनाक घटना छे हमर सबके समाज में, केहन केहन घटना सब देख के लेल भेटे तो देख सके छे। मात्र 16 साल के लड़की और उनकर माँ साथे एहन भेल घटना किछ ने किछ बढ़े। मधुबनी में बहुत ज़्यादा क्राइम भगल मधुबनी जिला के अंतर्गत आबै छे खुटौना, जे खुटौना बाजार, खुटौना थाना, खुटौना प्रखंड, खुटौना ब्लॉक सब खुटौना के अंतर्गत में पड़े छे। ई स्थिति खुटौना के छले देख ओ मधुबनी में ते क्राइम बढ़ले तो बढ़ले किया, हम क्षेत्र के प्रशासन और नेता से पूछ चाहे छे। और एखन तक 6-7 दिन भ गए, एखन तक प्रशासन नहीं एलखिन, केस नहीं एलखिन, कारण छे तो छे कि हमहूँ आग्रह निवेदन करब जे एहन घटना समाज में दुष्कर्म घटना हमर सबके जिला के बदनाम करब में युवा जे इनका साथे के लिए ओहन ओहन युवा सबसे आग्रह निवेदन जे एहन कुकर्म काज नहीं करू और एहन गंदा फैलाऊ नहीं, अपन जिला के नाम गंदा रोशन नहीं करू। तो हम रंजीत कुमार झा मिथिला सशक्त से कैमरामैन नागेंद्र चौधरी के साथ सब गोटा के प्रणाम करे छी, गोर लागे छी और फिर एहन वीडियो लग अहाँ सबके बीच आए। वीडियो के शेयर करनाई और चैनल के सब्सक्राइब करनाई नहीं बिसरबै। धन्यवाद। अय न्यूज के प्रायोजक है क्रेजी केक, एत केक मिठाई पेस्ट्री खोआ केक फोटो केक डोल केक स्नैक्स केक पिज्जा बिस्किट सब उपलब्ध है मधुबनी में चूड़ी बाजार 99 इंडिया मार्ट के बगल में।